बिहार के सिवान में फिर से दिन दहाड़े खुलेआम बारात जा रहे युवक की हत्या। जब तक युवक मरा नहीं तब तक घोपते रहे अपराधी चाकू। बता दें कि बड़ी खबर सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र से है, जहां महाराजगंज थाना क्षेत्र के हरकेशपुर गांव में एक युवक की चाकू गोदकर आरोपितों ने मंगलवार की शाम तकरीबन 5 बजे मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान थाना क्षेत्र के हरकेशपुर गांव निवासी लल्लन यादव के 30 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मंगलवार की शाम युवक गांव के ही किसी शादी समारोह में बारात जाने के लिए अपने घर से निकला था। इसी दौरान मकान से थोड़ी दूर पर पहले से घात लगाए बैठे तकरीबन आधा दर्जन की संख्या में बेखौफ हमलावरों ने युवक के पेट में ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित युवक को आनन फानन में महाराजगंज अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक के परिजनों से गांव में ही कुछ लोगों के साथ भूमि विवाद पिछले कई वर्षों से चलता रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि गांव के ही 5-6 की संख्या में आरोपितों ने उन्हें जबरन पकड़कर चाकू गोदकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस घटना के बाद महाराजगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसी से जुड़े हुए बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां दिन दहाड़े खुलेआम अपराधियों ने एक युवक की हत्या कर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बारात जा रहे युवक को पकड़कर अपराधियों द्वारा लगातार युवक के पेट में चाकू घोपा गया। जब तक मर नहीं गया तब तक चाकू घोपा गया। अपराधी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे कि जब तक युवक मर नहीं जाता तब तक हम नहीं छोड़ेंगे। हैरानी की बात यह है कि दिन के उजाले में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। बिहार पुलिसिया इकबाल खत्म होता जा रहा है, यह इस बात का सबूत है। और हर बार देखा जा रहा है कि इसी तरह की घटना और अलग अलग इलाकों में होती रहती है। कभी गोली मारकर हत्या तो कभी पीट पीट कर हत्या, यह बिहार में काफी आम बात हो गई है। लेकिन इन घटनाओं पर अंकुश लगाना पुलिस के बस में दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस बाद में मामले की छानबीन करती है कि अपराधी पकड़े जाते हैं, इसका भी कोई सही से हिसाब किताब है नहीं मालूम चलता है कि कुछ मामलों में 1 से 2 की अपराधी गिरफ्तार होती है और अपराधियों का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। बिहार में अब कैसे लोग सुरक्षित रह पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि इस घटना में जो भी अपराधी संलिप्त है उनका नाम भी मृतक युवक के भाई द्वारा बताया गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस अपराधियों को कब तक सलाखों में भेजती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल वारदात की पूरी जानकारी सुनिए मृत युवक के भाई की जुबानी। क्या हुआ है घटना बताइए। अरे हमारे भाई जा रहे थे बारात में जी, 3-4-5-6-7 आदमी मिलकर उनको बरियारी पकड़ा गया और पसली और चाकू बहुत सारे हथियार से उनको मारा गया और मारकर पूरा लात बाहर कर दिया गया। भैया भाग कर आ रहे थे, उसके बाद ही पकड़ कर उनको मार दिया गया। सब बारात जा रहे थे कहीं? हाँ बारात जा रहे थे। मारने वाले लोग कौन है? मतलब मारने वाले हैं धनेश कुमार, रोहित कुमार ठीक है, और राजा कुमार। राजा कुमार कुछ मुकेश कुमार, एक भुवर नाम उसके भाई का, भुवर कुमार। क्या नाम है उसका? भुवर का क्या नाम है? कुछ अज्ञात लोग थे जिसे चेहरा देखने को नहीं पहचाना। हाँ, और गांव के लिए गांव के सब कौन से गांव के? हरकेशपुर के हैं। किस बात को लेकर मारे हैं कोई पता है? अरे पता नहीं, भैया हमारे पहले से मेटा तक भैया हम कुछ नहीं किए थे, बहुत लोग उनको मारने के लिए पहले से प्लान बनाए थे। अच्छा, सब लोग मिलकर मारे। नाम क्या होगा भाई का? चंदन कुमार। आपका नाम? रोहित कुमार। उनका एज क्या होगा? उनका एज लमसम 35 वर्ष, 30 से कम। हरकेशपुर के रहने वाले? 30 वर्ष हरकेशपुर के। जी बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को, मोबाइल नंबर 7462862592।